और बड़ी खबर देवास से आ रही है, जहां पर प्रिंस होटल पर प्रशासन की कार्यवाही। सेक्स रैकेट पकड़े जाने के बाद कार्यवाही, प्रिंस होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। होटल में सेक्स रैकेट का हुआ था भंडाफोड़। मौके से 18 युवक युवतियों को पकड़ा गया था। डिप्टी कलेक्टर निगम अमला पुलिस बल के साथ मौजूद। तो ये तस्वीरें आपको देवास से बता रहे, जहां पर प्रिंस होटल पर प्रशासन की कार्यवाही का बुलडोजर चला है। सेक्स रैकेट पकड़े जाने के बाद ये कार्यवाही हुई है। प्रिंस होटल पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें, होटल में सेक्स रैकेट का हुआ था भंडाफोड़, जिसके बाद प्रिंस होटल पर प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर की कार्यवाही की है। आपको बता दें, सेक्स रैकेट में 18 युवक युवतियां यहां पर संदिग्ध अवस्था में मिले थे, जिसके बाद प्रिंस होटल पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद जो है कलेक्टर और तमाम अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठकर मंत्रणा की। और अब देवास के प्रिंस होटल पर बड़ी कार्यवाही, यानी कि बुलडोजर की कार्यवाही देखी जा रही है। तो तस्वीरें आपको देवास से दिखा रहे हैं, जहां पर देवास के प्रिंस होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर से यहां पर होटल को जमींदोज किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रिंस होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें 18 युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में मिले थे, लिहाजा पुलिस ने यहां पर अब प्रशासनिक कार्रवाई कर बुलडोजर से होटल को जमींदोज करने का फैसला किया था। और ये तस्वीरें उसी समय की हैं, जब प्रिंस होटल में आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह देवास के प्रिंस होटल की हैं, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर इस होटल पर चला है। आपको बता दें, यहां पर 18 संदिग्ध युवक युवतियां हैं जो पकड़े गए थे। एक बड़े सेक्स रैकेट का यहां पर भंडाफोड़ हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपको बता दें, आज प्रिंस होटल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस होटल को जमींदोज करने का फैसला लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है देवास से संवाददाता प्रताप से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर प्रताप, अगर बात की जाए, देवास के प्रिंस होटल पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखी गई है, आखिर क्या कुछ घटनाक्रम, क्या कुछ वजह रही? हाँ, ये इंदौर भोपाल बाईपास पर जो है ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध होटल का निर्माण था, और अवैध होटल के निर्माण के बावजूद यहाँ पर अवैध गतिविधियां जो है, सेक्स रैकेट पिछले सप्ताह पकड़ाया गया था, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर जो आज बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई की गई है, उसमें इसमें इसको ढाबे को नष्ट नाबूद कर दिया गया है। इसमें तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, एसडीएम से लगाकर तहसीलदार और पूरा प्रशासन अमला मौजूद था। और इस तरह की कार्रवाई जो है, यहाँ पर जो पिछले हफ्ते सेक्स रैकेट पकड़ाया गया था, उसमें यहाँ पर 18 युवक युवतियां सेक्स रैकेट में पकड़ाए गए थे, जिसको देखकर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। प्रताप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपको। तो देवास में एक अच्छी पहल सामने आई है, इस तरह की पहल से अब जो है इस तरह के जो होटल कुकृत्य करते थे, जो होटल की आड़ में गोरख धंधा करते थे, कहीं ना कहीं उन पर भी अब लगाम लगती हुई नजर आएगी।